हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। एक तरफ आम लोगों को जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बर्फबारी को किसान अच्छा बता रहे हैं। साथ ही बाहर से पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये नजारा। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान भी इस बर्फबारी को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। सिरमौर की तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में मुरारी देवी मंदिर के आसपास साल की पहली बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। वहीं मंडी में बर्फबारी के साथ ही बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से तापमान काफी गिर गया है। सुंदरनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं और बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें हैं। साल की पहली बर्फबारी यहाँ पर हुई है। ये देवी का मंदिर है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे में लोग यहाँ पर काफी खुश हैं। मुरारी देवी मंदिर है जिसकी काफी महत्ता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसे में जब बर्फबारी हुई है तो सैलानी काफी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से पर्यटक काफी खुश हैं। बर्फबारी का इंतजार खत्म होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। बर्फबारी के बाद शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की वजह से अधिकतम तापमान 9 डिग्री से 3 डिग्री पहुंच गया है। शिमला यहां पर सैलानी दूर दूर से आते हैं और आप देख सकते हैं बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सैलानी काफी समय से बर्फबारी का इंतजार करते हैं और यहां पर जो सैलानी पहुंचे उनके चेहरे खिल उठे। काफी भीड़ है, ऐसे में व्यवसायिक भी काफी खुश हैं इस बर्फबारी के कारण। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि जो कुछ सैलानी हैं वो परेशान भी नजर आए, क्योंकि लगातार जो बर्फबारी हो रही है उससे बर्फ भी कई फीट तक जम गई है। फिलहाल ये नाचने गाने झूमने की तस्वीरें आपके सामने हैं, बर्फबारी का मजा लेते हुए सैलानी। उत्तराखंड में केदारनाथ में पिछले 48 घंटों से बर्फबारी जारी है। केदारनाथ में तापमान -5 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण में लगे कर्मचारियों को बर्फ पिघलाकर पीने के पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। यहां 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस समय सर्दी के मौसम में धाम के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी पुनर्निर्माण कार्यों में लगे हैं उनको बेहद दिक्कतें पेश आ रही हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 48 घंटे से लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है और ये फावड़े की मदद से कर्मचारी बर्फ को हटाते हुए। आलम यह है कि वहां पर पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है और बर्फ को पिघलाकर पीने के पानी का इंतजाम किया जा रहा है। केदारनाथ में बीते कुछ रोज से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बीती रात 1 बजे से ही केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद पूरे केदारनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। केदारनाथ में करीब 2 फीट तक बर्फ पड़ी, इसके बाद वहां का तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे तक पहुंच गया। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद वहां भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है, लेकिन भारी बर्फबारी होने के बाद वहां काम करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो केदारनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर हर रोज पुनर्निर्माण का काम होता है, लेकिन जो कर्मचारी वहां पर हैं उनके लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। लगातार बर्फबारी होने की वजह से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, लेकिन जो पुनर्निर्माण का वहां पर काम हो रहा है, कर्मचारी दिन रात वहां पर काम में लगे हुए हैं, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं इस बर्फबारी की वजह से। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पर्यटन स्थल चोपता दुग्गल बिट्टा पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। समुद्र तल से 9,515 फुट की ऊंचाई पर बसे चोपता दुग्गल बिट्टा की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। पर्यटकों के आने से चोपता के व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने है। पेड़ों पर भी बर्फ की सफेद चादर है। जहां भी नजर दौड़ाइए हर तरफ बर्फ की बर्फ नजर आती है। ऐसे में सैलानी काफी खुश हैं। दूर दूर से यहां पर सैलानी पहुंचते हैं, उनके चेहरे जरूर खिल उठे हैं और जो व्यवसायिक भी हैं वो भी इस मौसम का इंतजार करते हैं और बर्फबारी के कारण उनको भी अपने व्यापार में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई है। पुंछ की पीर पंजन पहाड़ी की चोटी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है।
भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। तो पुंछ की तस्वीर आपके सामने है, पहाड़ियों पर बर्फ पड़ी है। हालांकि आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि जो बर्फबारी हुई है उससे आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में कई लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। शीतलहर के कारण भी लोग काफी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से तापमान गिरा है, सर्दी बढ़ी है। कुल्लू के मलाना गांव में हुई भारी बर्फबारी की वजह से सैलानियों में खुशी का माहौल है। बर्फबारी से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कुल्लू में सैलानियों के चेहरे तो जरूर खिल उठे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, कई कई फीट तक बर्फ जमा है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं, वाहन भी जहां तहां फंसे हुए हैं। खासकर जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान हैं क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है उसके बाद बिजली गुल हो जाती है जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। और इसके अलावा बर्फ को हटाना भी, बर्फ जो कई फीट तक जमी होती है उसको हटाना भी मुश्किल काम साबित होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी डलहौजी में बर्फबारी अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अभी तक जहां सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे थे, वहीं अब बर्फ ने उनकी मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी है। डलहौजी माल रोड पर एक फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। सड़कों पर बर्फ होने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई हैं। ज्यादातर सैलानी होटल में दुबके हुए हैं। सैलानियों का आरोप है कि प्रशासन सड़क पर जमी बर्फ को नहीं हटा रहा है जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो डलहौजी की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, ये पर्यटक स्थल है जहां पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। आप सड़क पर देख सकते हैं कई फीट तक बर्फ यहां पर जमी हुई है। लोग गाड़ियों से भी बर्फ हटा रहे हैं, जहां तहां गाड़ी फंसी हुई है। लेकिन पर्यटक जो कि खुश तो हैं इस बेहद खूबसूरत नजारे को देखकर, लेकिन परेशान इस बात को लेकर है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, कई फीट तक बर्फ है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी इस बर्फ को नहीं हटा रहे हैं और वो होटल में रहने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी हुई है। पारा गिरा है इस वजह से और सर्दी बढ़ी है। शीतलहर की वजह से भी लोग मुश्किल में हैं। लेकिन फिर भी सैलानियों का दावा है कि कई साल बाद डोडा में वक्त रहते बर्फबारी हुई है। आमतौर पर सैलानी इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जब वो घूमने जाते हैं या जिस वक्त बर्फबारी होनी होती है, बर्फबारी तय समय पर नहीं होती है। लेकिन डोडा में इस बार सैलानी बेहद खुश हैं और उनका ये कहना है कि काफी सालों बाद वक्त रहते बर्फबारी हुई है। ये बर्फ गिरने की तस्वीरें आपके सामने हैं, पेड़ों पर भी बर्फ नजर आ रही है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और सैलानी इस मौसम का जमकर मजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में जहां एक ओर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई तो वहीं दूसरी ओर सैलानियों की तादाद बढ़ने से वहां के कुछ कारोबारी खुश हैं। चमोली जिले के कई पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फ गिरी है जिससे वहां के तापमान में कमी आई है। चमोली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी हुई है। हालांकि सर्दी जरूर बढ़ गई है, तापमान माइनस में चला गया है, उसके बावजूद लोग इस मौसम का मजा लेने के लिए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग हैं, संगीत की धुन है, जमकर मजा लिया जा रहा है इस मौसम का। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु भी बर्फबारी के बाद काफी खुश नजर आए। कटरा से 14 किलोमीटर ऊपर वैष्णो देवी धाम की पहाड़ियां भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटी नजर आई। तो कटरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैलानी नए साल के मौके पर वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, उनकी संख्या में इजाफा होता है। ऐसे में बर्फबारी से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई। कटरा से 14 किलोमीटर का रास्ता है वैष्णो देवी का, ऐसे में रास्ते में बर्फबारी से लोग बेहद खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बर्फबारी से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगह रास्ते बंद हैं। राजौरी को पुंछ से जोड़ने वाली सड़क भारी बर्फबारी से बंद हो गई है। राजौरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सैलानी जमकर मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। हालांकि गाड़ियां भी फंसी हुई हैं तो धक्का देकर गाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।